हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बेताब बीजेपी के पास फॉर्मूला क्या है? किस दम पर बीजेपी हैट्रिक का दम भर रही है? इसका खुलासा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है, जिनका दावा है कि हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है। यह बात मनोहर लाल ने इंद्री में कही जब वो यहाँ कुंजपुरा में बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार कश्यप के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। तब मनोहर लाल ने दावा किया कि बीजेपी को इस बार हरियाणा में 60 से 62 सीट मिलने जा रही है। ये सरकार हम बना रहे हैं कि कांग्रेस बना रही है, ये तुलना रोजाना तुलना करके सोते हैं। कुछ लोग भाजपा की सरकार बना के सोते हैं, कुछ लोग कांग्रेस की सरकार बना के सोते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको अपना विश्वास बता सकता हूं कि इस बार निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा में किसी ने सरकार बनाई तो आप लोगों ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। पुराने इतिहास में मत जाओ, आप 2004 बताइए सेंटर में किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी प्रदेश में, किसकी बनी? 2009 सेंटर में किसकी थी? होती नहीं। 2009 में और अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुन के जवाब दो। 9 में सेंटर में कांग्रेस की थी, हरियाणा में किसकी बनी? 2014 में सेंटर में किसकी थी? भाजपा की। हरियाणा में किसकी बनी? 2019 में सेंटर में किसकी थी? हरियाणा में किसकी बनी? और 2024 में सेंटर में किसकी है? हरियाणा में किसकी बनेगी? लोगों को भ्रम पैदा करना है। सरकार हमारी आ रही है, सरकार आ रही है, सरकार किसकी आ रही है वो तो मैंने पहले बता दिया, ये सरकार के नजदीक भी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मीडिया के मित्रों ने कुछ सर्वे कराए हैं, एक सर्वे ने मैं 2 दिन पहले ही पढ़ा है, एक में भाजपा को 49 सीटें दे रहे हैं, दूसरी को 50 दे रहे हैं। कुछ सीटें उन्होंने कही है कि अभी अभी कांटे की टक्कर में है। और मैं आज आपको तो बता रहा हूं हरियाणा में भाजपा की 60 से 62 सीटें आने वाली है। इस लोकसभा में जैसे लोकसभा के चुनाव में 9 की 9 विधानसभा में लीड थी, इस बार 9 के 9 विधायक हमारे ये चुने जाने वाले हैं, उसमें हमारे रामकरण कश्यप जी। ये आपके हाथ में, आपने चुनना के नहीं चुनना है, चुनना के नहीं, चुनना के नहीं। एक बात मैं आखिरी बात कह के मुझे निकलना बता देता हूं, केवल इच्छा रखने से काम नहीं होगा, केवल इच्छा रखने से, इच्छा तो सब अच्छी रखते हैं। आज यही भाषण कांग्रेस के मंच से दिया रहा जाएगा, वो भी इच्छा व्यक्त यही कर रहे हैं, लेकिन हम सब इतने निष्ठावान या लोग बैठे हैं, हमारे वोट तो अपना वोट तो एक ही है, परिवार के 4 लोग तो 4 लोग वो 4 वोट उनके हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में हर घर जाना पड़ेगा और हर घर को ये बातें याद करानी पड़ेंगी। इस दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि कांग्रेस जीत नहीं बल्कि हार की तरफ अग्रसर है और जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आएगी कांग्रेस का ग्राफ गिरता जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डर है कि वह हार रही है, इसलिए अभी सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, कई पार्टी में फूट ना पड़ जाए।